और मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में आज गुरु गोविंद सिंह जी का 353वां प्रकाश वर्ष शहर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नगर के माधबरगंज पर सुंदर गुरुद्वारा कमेटी ने सामूहिक भोज लंगर का आयोजन किया और लोगों में प्रसाद का वितरण किया। वहीं इस शुभ अवसर पर गुरुद्वारे में भव्य कार्यक्रम सहित गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया जा रहा है। बताते चलें कि सिख समुदाय के 10वें धर्मगुरु सदगुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना शहर में गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर हुआ। सिख समुदाय के बीच गुरु गोविंद सिंह के जन्म उत्सव को गुरु गोविंद जयंती या गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। 5 जनवरी को गुरु की जयंती को प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। आज गुरु गोविंद सिंह के 353वां प्रकाश पर्व पर हम लोग ये नगर लंगर चला रहे हैं। इसके अलावा गुरुद्वारे में प्रोग्राम है और गुरुद्वारे में भी 2 बजे के बाद जो हमेशा लंगर होता है वो होता होगा। अभी दीवान वहाँ लगा हुआ, दीवान चल रहा है, उसके बाद लंगर का कार्यक्रम है। ये नगर लंगर हर साल की तरह इस साल भी चलाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी का 353वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में शंकर जी की मूर्ति के पास आज नगर लंगर बांटा जा रहा है। सुंदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से और क्या क्या कार्यक्रम होता है प्रकाश उत्सव पे गुरुद्वारे में सहज पाठ की समाप्ति हुई है। अभी प्रभात फेरी 29 तारीख को निकाली गई थी और अभी शबद कीर्तन वगैरह चल रहा है इस समय, उसके बाद 2 बजे से लंगर प्रारंभ होगा।